तो भाई बनके तैयार है हमारी आलू की सब्जी और भेड़वी पूरी। और भाई साथ में मैंने हरी मिर्ची तली है, ये मुझे बहुत पसंद है। ठेले वाले ये भी देते हैं वैसे। टेस्ट करके बताते हैं भाई आपको कैसी बनी है। वैसे मुझे ये इसमें एक चीज़ अच्छी लगी, हम जब घर पे बनाते हैं उसमें ना हम उड़द की दाल पीस के डालते हैं, बट उसकी जगह ना ये सूजी डालना ऑप्शन ठीक है इसमें जो था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। भाई ओवरऑल तो ठीक बना है, अगर हम इसमें दही डाल रहे हैं तो और अच्छा लगेगा। तो भाई पूड़ियाँ तल लेते हैं, हमने बेल भी पूड़ी का आटा तो भाई तैयार कर लिया है। फूल जाना भाई पूड़ी हमारी, नहीं तो ऐसा होता है जब आप किसी को दिखाएंगे ना तो पूड़ी फूलती नहीं है, फाइनली फूल गई है। कढ़ाई हो गई थोड़ी तेज, कोई नहीं सिम कर देते हैं भाई। अब टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा रहा इसका टेस्ट, जो हम रेडीमेड आटा लाए थे। वैसे मैंने देखा जब मैं इसको गूंथ रही थी, गूंथने के बाद जो मैं घर का बनाती हूँ उसी टाइप का आया, मतलब इसमें जो टेक्सचर आया, लेकिन ये है कि अगर इसको गूंथने के बाद भाई हम जो है आधा घंटे अगर रख देते हैं ना तो सेट हो जाता है ये। तो भाई देखिए एकदम तीन तीन चार चार पूड़ियाँ हमने तल ली, हम खाएंगे चार पूड़ी, तो अभी हमने सिर्फ अपने लिए चार पूड़ी तली है। बन तो गई है ऑलमोस्ट वैसी ही, अदरवाइज हम क्या है उसमें थोड़ा उड़द उड़द का डालते हैं, बट इसमें ना उड़द की दाल नहीं मिक्स थी जो मैंने उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े थे, इसमें जो है सूजी पड़ी हुई है। और भाई ये देखिए हमारी बन गई है आलू की सब्जी, ये देखिए एकदम, मैंने भाई स्पून से अभी टेस्ट करके देखा था, बहुत अच्छी बनी है, एकदम खट्टा खट्टा जैसे कि बननी चाहिए थी। और भाई मैं तलूंगी इसमें जो हरी मिर्च आती है ना साथ में, वो भी हम तलेंगे, क्योंकि तो वो उसके बिना तो पूड़ी और आलू की सब्जी जो ठेले वाली होती है ना वो खाने का मज़ा नहीं है, आलू की सब्जी जब तक नहीं तली जाती है। तो भाई टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसी बनी। भाई अब डाल दिए हमने हरी मिर्ची इसमें तलने के लिए, हम भाई दूर खड़े हो गए, कहीं छटक के हमारे पास आ गई तो हमारा थोपड़ा सूज जाएगा अभी तो हमने दूर से ही थोड़ा सा मिर्ची तल रहे हैं।